साथियों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार गहलोत, नोबल आर्य से बीकानेर राजस्थान। और अभी हम बात कर रहे हैं मधुरस पे, संक्षिप्त विवरण। मधुरस एक्चुअली क्या होता है कि जन्म से साथ में होने के कारण हमारे शरीर की सभी धातुओं को क्या बलवान बनाता है। उसके साथ साथ बच्चों के लिए अच्छा है, बुजुर्गों के लिए अच्छा है और संधान गर्म करता है। ठीक है, स्तन्य एक्चुअली क्या, वही जो माता है बच्चे को दूध पिला रही है तो दूध को भी बढ़ाता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करेगा, हमारे बालों के लिए अच्छा है, ओज के लिए अच्छा है और ताकत देता है। ठीक है, और आयु को बढ़ाता है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो मधुरस हमारे लिए, मधुरस के कार्य हैं वो हमारे स्वास्थ्य में हम देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बात भी ऐसा भी होता है कि ज़्यादा मधुरस का सेवन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा मधुरस का सेवन करने से उसके दुष्प्रभाव भी मिलते हैं हमने को, कि जैसे कि प्रमेह को करता है। ठीक है, हमारे शास्त्रों में हज़ारों साल पहले बोल दिया कि भाई अब ज़्यादा मधुरस सेवन करने से डायबिटीज़ होता है, अर्बुद होता है। यहाँ अर्बुद आप कैसे भी ले सकते हो, सिस्ट के रूप में ले सकते हो, कैंसर की कोई गांठ के रूप में ले सकते हो, किसी के रूप में भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ बात हो रही बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में सेवन करने से। और मैं एक्चुअली हमेशा रेफरेंस युक्त बात करता हूँ या फिर अपने अनुभव युक्त बात करता हूँ या हमारे गुरुओं आचार्यों की। तो मैं यहाँ आचार्य वाग्भट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके साथ गलगंड भी होता है। देखिए, हम कहते हैं ना ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, गलगंड पड़ जाएंगे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें करता है। अगर हम कोई चीज़ का कम मात्रा में सेवन करते हैं, कुछ भी हो, वो हमारे लिए बहुत अच्छी है। ज़्यादा मात्रा में अच्छी चीज़ें भी बहुत हानिकारक हैं। धन्यवाद।